हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेबल फैन में कॉमन वायर को कैसे पहचाना जाता है, आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं क्या करता हूं, इस टेबल फैन को खोल लेता हूं, खोलने के बाद आपको दिखाता हूं। रिटेलर्स और डीलर्स भाइयों, मैं आपके लिए लाया हूं एक एक्सक्लूसिव ऐप जिसका नाम है लॉक द डील। यह है एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का अमेज़न। डाउनलोड करें इस ऐप को और पाएं अपनी दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट्स, जिसमें इन्वर्टर्स, बैटरी, ऑटोमेटिक बैटरीज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ। ऑर्डर करें और सामान आपके दरवाजे तक, वो भी डिस्काउंट रेट्स पर। सभी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे और मिलेगी पूरी चॉइस। एक्साइट, ल्यूमिनस, लिपगार्ड, लिपफास्ट, इमेज और इलेक्ट्रिकल के बड़े ब्रांड्स जैसे हेवेल्स, उषा, बजाज, जिस पे हर हफ्ते डील्स चलती रहती है। एक साथ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी ही मंगाते रहो। बल्क ऑर्डर पे डिस्काउंट, लॉक द डील की वारंटी, क्रेडिट फैसिलिटी और सिर्फ 48 घंटे में कन्फर्म डिलीवरी। किसी भी जानकारी के लिए डील्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर यह रहा स्क्रीन पे 9319098038। खोलिए आप अपनी दुकान लॉक द डील से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, मैंने पंखे को खोल दिए हैं। इसमें जो ये रेड वाला वायर आप देख रहे हैं ना, अधिकतर लोग इसी रेड वायर को कॉमन वायर ही समझ लेते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रेड वायर ही कॉमन वायर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस रेड वायर को ही सबसे पहले कॉमन वायर मान लेता हूँ। इसे कॉमन वायर मानने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें सीरीज टेस्ट लैंप का एक वायर जोड़ देता हूँ, ठीक है, और चेक करके दिखाता हूँ कि ये कॉमन वायर है या नहीं। तो देखिए, मैं सीरीज टेस्ट लैंप का एक वायर इसमें जोड़ दिया इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सीरीज लाइन देता हूँ। देखिए, मैंने सीरीज लाइन दे दिए। अब मैं ये ब्लैक वाले वायर में इसे टच करता हूँ, तो देखिए इसमें जो बल्ब जलेगा वो कितना जल रहा है देख लीजिए। देखिए, इसमें बल्ब जो जल रहा है सिर्फ फिलामेंट जल रहा है, यानी कि समझ लीजिए बल्ब ना के बराबर जल रहा है, सिर्फ फिलामेंट जलता हुआ दिख रहा है ना। अब देखिए, इस ब्लू वाले वायर में टच करता हूँ तो इसमें कितना जलता है, तो देखिए इसमें बल्ब डीम जल रहा है, यानी कि जी पूरा बल्ब नहीं जल रहा, आधा बल्ब जल रहा है, ठीक है, यानी कि ये आधी रोशनी बल्ब दे रही है, ठीक है। अब अगर ब्लैक वाले वायर को कॉमन वायर मान लेते हैं तो क्या होगा, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अब ब्लैक वाले वायर में सीरीज टेस्ट लैंप का एक वायर इसमें जोड़ लेता हूँ अच्छी तरह से। और मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें जोड़ने के बाद मैं इसमें सीरीज लाइन देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, रेड वाले वायर में इसे टच करके देखता हूँ, तो देखिए इसमें ना के बराबर बल्ब जल रहा है, यानी कि सिर्फ फिलामेंट जल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वायर को ब्लू वाले वायर में टच करता हूँ, तो देखिए इसमें देखिए बल्ब डिम जल रहा है, यानी कि आधी रोशनी के साथ ये बल्ब जल रहा है। चलिए अब ब्लू वायर को कॉमन वायर मान लेते हैं। अगर ब्लू वायर को कॉमन वायर मान लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, सीरीज टेस्ट लैंप का एक वायर इसी प्रकार से जोड़ देते हैं जैसे इन दोनों वायर में मैंने जोड़ा था। अब मैं इसमें सीरीज लाइन देता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले चलिए ब्लैक वायर को ही टच करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। देखिए इसमें बल्ब डीम जल रहा है, यानी कि आधी रोशनी के साथ ये बल्ब जल रहा है, देख लीजिए ब्लैक वाले में। जब ब्लैक वाले वायर में मैंने टच किया, अब रेड वाले में टच करता हूँ, तो देखिए इसमें भी बल्ब आधी रोशनी के साथ ही जल रहा है, देख लीजिए, लेकिन थोड़ा सा 19-20 जल रहा है। देखिए मैं आपको ब्लैक वाले वायर में फिर से टच करके दिखाता हूँ, तो देखिए इसमें बल्ब थोड़ा सा 19 जलता है, लेकिन आधी रोशनी के साथ जल रहा है बल्ब, देख लीजिए डीम जल रहा है, आधी रोशनी के साथ जल रहा है। इसमें थोड़ा सा 20 जल रहा है, यानी कि आधी रोशनी के साथ ही ये भी बल्ब जल रहा है। दोनों में जब टच करते हैं तो बल्ब डीम जलता है। इससे ये पता चल जाता है कि इसमें जो ये ब्लू वाला वायर है यही वायर कॉमन वायर है। अधिकतर लोग रेड वायर को ही कॉमन वायर समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने अभी देख लिया कि जब इन दोनों वायर में मैंने टच किया तो दोनों में इसमें टच किया तो देखिए बल्ब डीम जल रहा है, देख लीजिए। इसमें भी टच किया तो इसमें भी बल्ब डीम जल रहा है, देख लीजिए। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर जब इस तरह से बल्ब दोनों ही डीम जले, थोड़ा सा 19-20 हो, तो आप समझ लिया कि वही वाला वायर कॉमन वायर है, जैसे ये वाला वायर कॉमन वायर है। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रेड वायर को जो हम लोग कॉमन वायर मान लेते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेड वायर ही कॉमन वायर हो किसी पंखे में।
कोई भी वायर, कॉमन वायर हो सकता है किसी भी पंखे में। इस पंखे में आपने देखा कि रेड वाला वायर कॉमन वायर नहीं था, इसमें ब्लू वाला वायर कॉमन वायर था। तो हो सकता है किसी और पंखे में रेड वाला वायर ही कॉमन वायर हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कॉमन वायर को कैसे पहचाना जाता है। अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कॉमन वायर को कैसे पहचाना जाता है तो मुझे कमेंट करें, कमेंट में आप यस लिखें। अगर आप अच्छी तरह से नहीं समझे हैं कि कॉमन वायर को कैसे पहचाना जाता है तो कमेंट बॉक्स में नो लिख दें।